नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, अनोखा संगम का पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त व अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। अपने स्वाभिमान का मूल्य ईमानदार, सिद्धांतवादी और सत्यवादी इंसान ही समझता है, क्योंकि जो इंसान बेईमान, झूठे, मक्कार अथवा अपराधी प्रकार के होते हैं उनका तो स्वाभिमान ही नहीं होता। आज की तारीख 14 सितंबर 2020, आज का वार सोमवार। आज अश्विनी माह का 12वां दिन है। अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी 1:29 मध्य रात्रि तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 14 सितंबर 2020 के सूर्योदय का समय रहेगा 6:06 सुबह। सूर्यास्त का समय होगा 6:27 शाम को। चंद्रोदय का समय रहेगा 3:25 अगले दिन सुबह और चंद्रास्त का समय होगा 4:33 शाम को। आज का नक्षत्र पुष्य 3:52 दोपहर बाद तक रहेगा। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के नक्षत्र के विषय में। जिन व्यक्तियों के नाम हु, हे, हो और डा से शुरू होते हैं वो पुष्य नक्षत्र के व्यक्ति होते हैं। इनकी राशि होती है कर्क। राशि स्वामी इनका चंद्र है और नक्षत्र देवता इनका गुरु है। इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वे दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जातक लोकप्रिय और सभी से स्नेह और सम्मान पाने वाला व्यक्ति होता है। जातक निष्ठावान, संयमी और सहयोग करने वाला होता है। जातक को दूसरों की सेवा में मदद करने में अच्छा लगता है। जातक को बाल्यावस्था में काफी परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। नक्षत्र का शुभ प्रभाव में होने पर जातक धनी व राजा सरीखा होता है, प्रजापालक व दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करता है। जातक सुख, संतोष और सहयोग और सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। वह सेवा, सत्कार और सदाचार से युक्त होता है। अगर नक्षत्र पर पाप प्रभाव हो तो व्यक्ति आलसी और अकर्मण्य हो सकता है। जातक मिलनसार, अच्छा खाना खाने का शौकीन होता है, सज्जनशील, धैर्यशाली, माता को सम्मान देने वाला माना जाता है। जातक परिश्रम से पीछे नहीं हटता है, कार्य को लगन पूर्वक समाप्त करने की क्षमता रखता है। पुष्य नक्षत्र के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गाय की सेवा करें, गौशाला में चारा दान करें, गुरु अथवा पंडित और ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुरूप भेंट दीजिए। देवी मां की उपासना करना शुभदायक होता है। बृहस्पति का मंत्र जाप करने से भी दोष समाप्त होता है। सफेद, पीले, नारंगी रंग के वस्त्रों को धारण करने से भी नक्षत्र अनुकूल रहता है। चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने पर दान और जप करना शुभदायक माना जाता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आज के पुष्य नक्षत्र के बारे में। आज बस इतना ही। आज की सूर्य राशि है सिंह, आज की चंद्र राशि है कर्क। आज का पहला करण कौलव 2:28 दोपहर तक रहेगा। आज का दूसरा करण तैतिल 1:29 मध्य रात्रि के बाद तक रहेगा। इसके बाद गर्ग करण प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के करण के विषय में। कौलव एक प्रकार का श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला शुभ समय है। तैतिल एक प्रकार का अशुभ फल प्रदान करने वाला चर समय है और गर एक सामान्य प्रकार का फल प्रदान करने वाला चर समय माना गया है। आज का योग परिघ 1:53 दोपहर तक रहेगा। इसके बाद
शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के योग के विषय में। परिधि योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य ही मिलती है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार परिधि योग क्या है? यदि आप परिधि योग के साथ पैदा हुए हैं तो आप ज्ञानी और कई विषयों में निपुण हैं। आपके गलत और खराब व्यवहार के कारण आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप यात्रा करने के शौकीन हैं और नई जगहों पर जाना और नए रास्ते तलाशना पसंद करते हैं। मित्रों, यात्रा करना मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य यात्रा करके ही अपनी विभिन्न जरूरतें पूरी करता है, लेकिन यदि यात्रा करने से पहले दिशा शुल्क को ध्यान में रखा जाए तो यह सुखद होने के साथ साथ सफलता प्रदान करने वाली हो सकती है। कौन सी दिशा में आज नहीं जाना है, इसे ही दिशा शुल्क कहा गया है। आज की दिशा शुल्क है पूर्व। इसके निवारण के लिए घर से शीशा देखकर प्रस्थान करें। ऐसा करने से दिशा शुल्क का प्रभाव कम हो जाता है। आज का अशुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:52 सुबह से 12:41 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:21 दोपहर से 3:10 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:33 सुबह से 5:19 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज के अशुभ समय में आज का राहु काल 7:38 सुबह से 9:11 सुबह तक राहु काल का समय रहेगा। यमगंड काल का समय 10:44 सुबह से 12:16 दोपहर तक यमगंड काल का समय रहेगा। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य शुरू ना करें। आने वाली कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार रहेंगी। 15 सितंबर को प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि होगी। 16 सितंबर को कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा होगी। 17 तारीख अश्वनी अमावस्या, सर्वपित्र और दश अमावस्या रहेगी। 18 सितंबर को अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा और चंद्र दर्शन होंगे। ये थी जानकारी आने वाले महत्वपूर्ण दिनों की। आज का दिन का जो घड़िया इस प्रकार रहेगा। अमृत समय 6:05 सुबह से 7:38 सुबह तक। शुभ समय होगा 9:10 सुबह से 10:43 सुबह तक। चर समय अर्थात सामान्य समय रहेगा 1:49 दोपहर से 3:21 दोपहर तक। लाभ समय होगा 3:21 दोपहर से 4:54 दोपहर तक। अमृत काल का समय होगा 4:54 से 6:27 शाम तक। आज रात का जो घड़िया इस प्रकार रहेगा। चर समय 6:27 शाम से 7:54 शाम तक। लाभ समय होगा 10:49 रात्रि से 12:16 मध्य रात्रि तक। शुभ समय होगा 1:43 मध्य रात्रि से 3:10 अगले दिन सुबह तक। अमृत काल का समय 3:10 से 4:37 अगले दिन सुबह तक। चर समय रहेगा 4:37 से 6:04 अगले दिन सुबह तक। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।